दोस्तों मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल क्या बात है यार में। दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों अगर आप गाँव में रहकर कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और वो भी बिल्कुल कम लागत में, तो आप सैनिटरी पैड बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों बाजार में बिकने वाली सैनिटरी पैड की कीमत काफी ज्यादा होती है, इसलिए यदि आप कम पैसों में अपने पैड को बना के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाते हैं तो आप काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और इस बिजनेस की शुरुआत आप केवल 2 लाख रुपए में कर सकते हैं। और तो और दोस्तों पूरे इंडिया में ऐसे बहुत से एनजीओ और सेंटर हैं जो बिल्कुल फ्री में इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं और बिजनेस की शुरुआत करने में आपकी मदद भी करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में यदि आप किसी गांव या छोटे शहर में अपना बिजनेस शुरू करते हैं और कम कीमत के पैड बनाते हैं तो आपका बिजनेस जमकर चलेगा। इसके अलावा चूंकि यह सफाई से जुड़ा बिजनेस है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय और समाज सेवी संगठन भी आपके बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं और आपको अपने बिजनेस की शुरुआत के लिए लोन और सब्सिडी भी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि हम कैसे कम लागत में अपना सैनिटरी नैपकिन पैड का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरी रॉ मटेरियल्स और मशीन है, उसकी ट्रेनिंग हम कहां से ले सकते हैं और कैसे सैनिटरी पैड को तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों सैनिटरी पैड बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इसकी ट्रेनिंग जरूर ले लें, क्योंकि ट्रेनिंग लेके ही आपको अच्छी क्वालिटी का पैड कैसे बनाना है पता चल जाएगा और ट्रेनिंग के दौरान आपको बिजनेस में आने वाली कठिनाइयों से सामना कैसे करना है वो भी बताया जाएगा। और जो सबसे बड़ा फायदा आपको होगा वो यह है कि आपके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको हर प्रोसेस की जानकारी होगी। साथ ही साथ आपको रॉ मटेरियल्स कैसा खरीदना है, उनका प्राइस क्या होगा, मशीन को ऑपरेट कैसे करेंगे, हर चीज का डिटेल्स भी मिल जाएगा आपको। दोस्तों बहुत सारे एनजीओ हैं पूरे देश में जहां से आप ये ट्रेनिंग ले सकते हैं और वो भी में, और गूगल के जरिए आप उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी निकाल सकते हैं। वैसे 2 लोगों का डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी। दोस्तों इसके लिए जो मेन रॉ मटेरियल्स होता है वो है उडपल, नॉन वुवन क्लॉथ और बैकशीट, जिसे हम नॉन लीकेज शीट भी कहते हैं। दोस्तों उडपल कॉटन यानी रुई से थोड़ा अलग होता है और इनमें सोखने की क्षमता रुई के मुकाबले ज्यादा होती है और मेनली इन्हीं 3 रॉ मटेरियल्स के जरिए हम पैड को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों बाजार में उडपल 40 से 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा और एक पैड बनाने के लिए केवल 6 ग्राम उड पल्प की जरूरत होती है। और वहीं नॉन वुवन क्लॉथ और बैकशीट का उपयोग हम दोनों साइड से पैड को चिपकाने के लिए करते हैं और ये मटेरियल्स हमें रोल के रूप में बाजार में 70 से 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। दोस्तों बाजार में इस बिजनेस को शुरू करने के लिए अलग अलग वैरायटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ बहुत तरह की मशीन अवेलेबल है। वैसे हमें इस बिजनेस के लिए मेनली 5 छोटी छोटी मशीन की जरूरत होती है। इसके अलावा वेइंग मशीन और एक सीलिंग मशीन की भी जरूरत होगी आपके द्वारा तैयार पैड को पैक करने के लिए और ये सारी मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक मशीन 1 लाख रुपए के आसपास आ जाएगी। यानी केवल 1 लाख रुपए में आप ये सारी मशीन खरीद अच्छी क्वालिटी का नैपकिन बना सकते हैं और वहीं ऑटोमेटिक प्लांट की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। दोस्तों इसके लिए जो पहली मशीन है वो है पल्वराइजिंग मशीन, जिसके जरिए हम उड पल्प को पल्वराइज कर लेते हैं यानी काफी बारीक और सॉफ्ट कर लेते हैं और बाजार में इस मशीन की कीमत अभी 20,000 से 30,000 रुपीज के आसपास है। अब इन उड पल्प को हम डाई के बने खांचे में डालते हैं और ये डाई भी आपको 500 से 1,000 रुपए पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। दोस्तों हमें डाई के एक खांचे में केवल 6 ग्राम उड पल्प को डालना होता है और जैसे पैड बनाना है वैसी डाई का यूज करना होता है। डाई के अंदर पल्वराइज किए हुए उड पल्प को डाल दें और अब खांचे में डाले हुए उड पल्प को हम प्रेस मशीन के जरिए प्रेस कर उड पल्प को केक का शेप देते हैं, यानी वो आपस में बिल्कुल चिपक जाते हैं। और दोस्तों बाजार में आपको ये मशीन 5,000 से 10,000 रुपीज में मिल जाएगी। अब उड पल्प के बने हुए केक के एक साइड हम नॉन वुवन क्लॉथ और दूसरे साइड नॉन लीकेज शीट या बैक शीट को रख इंप्रेशन एंड सीलिंग मशीन के जरिए प्रेस कर सैनिटरी पैड तैयार कर लेते हैं। मशीन में सैनिटरी पैड के शेप की डाई लगी होती है जिससे वो सैनिटरी पैड का शेप दे देती है। दोस्तों बाजार में आपको ये मशीन 30 से 40,000 के आसपास मिल जाएगी। अब इन बने पैड को हम यूवी ट्रीटमेंट मशीन में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं और ये यूवी ट्रीटमेंट मशीन आपको 10 से 20,000 रुपीज में मिल जाएगी। और उसके बाद यूवी ट्रीटमेंट मशीन से निकाले सैनिटरी पैड को हम अपने ब्रांड की प्रिंट की हुई पन्नी में सीलिंग मशीन के जरिए पैक कर बाजार में बेचने के लिए भेज देते हैं। दोस्तों इन सारी मशीन के जरिए आप 8 घंटे में लगभग 2,000 नैपकिन बना सकते हैं, यानी अगर एक पैकेट में आप 10 नैपकिन भी देते हैं तो पूरे दिन में आप 200 पैकेट बड़े आराम से बना पाएंगे। दोस्तों बाजार में आपको बहुत तरह की मशीन सस्ते और महंगे रेट पे अलग अलग डिजाइन और प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ मिल जाएंगे और जिनके जरिए आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये सारी मशीन रॉ मटेरियल्स और बिजनेस की ट्रेनिंग एक ही जगह मिल जाएगी, जिसके जरिए आप खुद का रोजगार शुरू कर 4 से 5 लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। दोस्तों आपको अपने बिजनेस की शुरुआत करने के साथ साथ इसका रजिस्ट्रेशन भी जरूर करा लेना चाहिए ताकि आपको सारी सुविधाओं का लाभ भी मिल सके और आपको किसी परेशानी का सामना भी ना करना पड़े और जिसे आप किसी सीए की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा चार्ज लेते हैं और आपके बिजनेस का सारा रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।